देखिए एक और पजल दी हुई है, क्या दी हुई ध्यान से देखिएगा समझिएगा। नाइन इंडिविजुअल जेड बाय एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस एंड आर द ओनली कैंडिडेट हु कैन सर्व ऑन थ्री कमिटीज, यानी थ्री कमिटीज में कुछ वर्क कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, के वन के टू के थ्री, एंड ईच कैंडिडेट शुड सर्व ओनली वन ऑफ द कमिटी, यानी एक बच्चा या एक बंदा एक से ज्यादा कमेटी में वर्क नहीं कर सकता। कमेटी के वन शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन मेंबर मोर देन कमेटी के टू। अब हम थोड़ा सा इसका एक रफ डायग्राम को समझें कि तीन तरह की कमेटी है, ऐसा सोचिएगा कि तीन तरह की कमेटी है, के वन के टू और के थ्री। अब जो जो बोला जाए, जैसे ये बोला है, क्या बोला है, देखिए के वन शुड कंसिस्ट एग्जैक्टली वन मेंबर मोर देन कमेटी के टू। मान लो कि के टू में एक्स है तो इसमें x प्लस वन मेंबर होंगे, राइट, एग्जैक्टली वन मेंबर मोर देन कमेटी के टू। इट इज पॉसिबल दैट देयर आर नो मेंबर्स इन कमेटी के थ्री, यानी के थ्री एक ऐसी भी कमेटी हो सकती है कि जिसमें जीरो मेंबर भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर इनमें नहीं, इसमें नहीं बोला, मतलब x से मान लो यहां वन है तो यहां टू हो गए ही होंगे, क्योंकि यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि कमेटी के थ्री एक ऐसी हो सकती, इट इज पॉसिबल दैट देयर आर नो मेंबर इन कमेटी के थ्री among z y x none can serve on committee k1, यानी z, ध्यान से देखिएगा अलग रंग से ले रहा हूं, z y और x इसके पार्ट नहीं है, ठीक है, पार्ट नहीं है, मतलब इसमें सर्व नहीं कर रहे हैं ये। ऐसे ही कमेटी k2 के लिए भी दिया, देखिए जरा ध्यान से, w v and u None can serve on committee K2 among TSR, TS and R, none can serve on committee K3, मतलब ये लोग इसमें वर्क नहीं कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि ये लोग इसमें वर्क नहीं कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमने एक डायग्राम बना लिया कि इसमें कम से कम एक मेंबर होगा तो इधर दो होंगे, इधर दो होंगे तो इधर तीन होंगे, इधर तीन होंगे तो इधर चार होंगे, पर यहां पर जीरो भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी। अब इस पूरे कंसेप्ट, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है क्वेश्चन पे बेस्ड। अब देखिए क्वेश्चन क्या, इन केस कमेटी के टू सर्व बाय टी एंड जेड ओनली, मतलब अगर यहां पर टी और जेड सर्व कर रहे हैं, कर भी सकते हैं क्योंकि टी यहां है और जेड यहां है, ठीक है। In case committee K2 is served by T and Z only, how many of the nine individuals should serve committee K3? तो K3 में कितने करेंगे? देखिए, अगर यहाँ पर 2 serve कर रहे हैं, तो यहाँ 3 करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 1 more है, और 3 plus 2 हो गया 5, तो अब हमारे पास यहाँ के लिए 4 कोई भी member हो सकते हैं, except these three, तो 4 इसका correct answer होगा, right? क्योंकि यहाँ 2 है, तो यहाँ 1 more है, बस ध्यान से पढ़िए, अरेंजमेंट करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहां पर 4 आ गया। अब बोला ऑफ द 9 इंडिविजुअल द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन सर्व टुगेदर ऑन कमेटी के 3। अगर हम 9 इंडिविजुअल में देखें कि सबसे ज्यादा कितने हो सकते हैं, तो देखिए यहां पर मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, क्योंकि जीरो नहीं बोला, तो यहां मिनिमम दो होंगे क्योंकि एक ज्यादा, तो 3, तो इसमें 6 लोग तक मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं, तो ये मैक्सिमम हो गया। अब दो ही क्वेश्चन थे, नहीं तो इसमें कई सारे और भी क्वेश्चन बन सकते थे। Is that clear? Note कर लीजिए।